देखिए मैं पुनः कहती हूँ, किस भ्रम की स्थिति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम रहे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करें, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है, उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश पूरा विश्व मानता है, और प्रदेश का काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। दीदी, राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी का युवा बनारस में सड़कों पर जगह जगह दारू पी करके नाच रहे हैं। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं दक्षिण भारत में, वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निवेदन को, निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश में कल ही इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, उस स्वप्न को, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का नौजवान ही साकार करेगा। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी। देखिए मैं पुनः कहती हूँ, किस भ्रम की स्थिति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम रहे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करें, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है, उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश पूरा विश्व मानता है, और प्रदेश का काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। दीदी, राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी का युवा बनारस में सड़कों पर जगह जगह दारू पी करके नाच रहे हैं। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं दक्षिण भारत में, वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर, वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निवेदन को, निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य बढ़ रहा है प्रगति की ओर। उत्तर प्रदेश में कल ही इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, उस स्वप्न को, उस संकल्प को उत्तर प्रदेश का नौजवान ही साकार करेगा। मेरी ये हिदायत है सोनिया गांधी को कि अपने बेटे को अगर आप अच्छे संस्कार ना दे सके तो उनसे कहें कि इस प्रकार के हमारे जो पुण्य स्थल हैं उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना मुंह तोड़ जवाब प्रभु तो देंगे ही, जनता भी देगी।